करैया थाना क्षेत्र में दुष्कर्म पीड़िता के परिजनों के साथ कुछ दबंगों ने मारपीट की, जहां मौके पर पुलिसकर्मी मूक दुश्मन बैठे रहे। पीड़ित के परिजनों ने मामले की शिकायत एसपी को की है। वहीं एसपी ने मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं। सर मेडिकल पुलिस वाले सब लोग थे, अगर वो चाहते तो बचा लेते, लेकिन वहाँ सब लोग गुंडे इकट्ठे हो गए और पुलिस वालों को रहते हुए मारा। कल हम एसपी ऑफिस भी गए थे, वहाँ से उन लोगों ने यहाँ भेज दिया, यहाँ से वहाँ भेज दिया, कोई सुनवाई नहीं होती सर। ऐसे पुलिस के रहते हुए मार रहे हैं और पुलिस अपना बचाव करके भाग जाती है। ड्यूटी पे होते हुए पुलिस वाले थे, उसमें गोपाल आरक्षक और सुदेश राजपूत और एक का नाम सत्येन जाट जो ड्यूटी पे थे, हम लोगों के साथ में आए थे जो मेडिकल कराने। घटना हम मेडिकल करावे गए थे करैया से, थाने की बैगड़ी में बैठ गए। थाने वाले तीन सिपाही गए थे, हॉस्पिटल पहुंच गए, अंदर भी आ गए गुंडा, उन्होंने मारपीट करी, पुलिस वाले छोड़ कर भाग गए। बल्ली चौधरी ने, रिंकू चौधरी ने, अजय पाल सिंह परमार, टिंकू सेन, जीतू सेन। ये कल करैया से एक पीड़िता और उसके पिता आए थे, जिसपे से पुनः मेरे द्वारा आदेशित करके एक FIR कराई गई थी। और जब FIR के उपरांत ये भितरवार में मेडिकल कराने गए, तो उसी दौरान करैया के कुछ लोगों ने आके उनसे मारपीट की। इसमें पुनः एक अपराध दर्ज किया गया है और साथ ही इस बात की भी जांच की जा रही है कि जो पुलिस कर्मी साथ में गए थे उनकी इसमें क्या भूमिका रही, और निश्चित तौर पर शाम तक मेरे पास रिपोर्ट आ जाएगी, इस पर भी मैं कार्रवाई करूँगा।